मुसलमान गडीपार इवरदे हिंदू जीवन आगता अंत बहिंगवा पोलिस धमकी आव पेपर मरदीस इंग्लिश पेपर समेत ना हेतने मरदीस अदर निजा वरदी हाक अद्यम स्वातंत्र ना प्रश्न आगे मुख्य विचार ऐन आटने सृष्टिये वे मसीद संघीयटी ब्लॉक मत लास्ट रात्रि हत पोलिस अली कारण मसीदी अली सीसीटीवी दृश्यव परशील अली मिलिंद हुड़ग मनोहर याने मिलिंद हुड़ग मसीदिया कि अल हाथ दृश्य अल्ली सीसीटीवी कंड बंद कारण अदून गोत मसीदी सीसीटीवी इलाद श्रृंगेरी मुसलमान गडीपार जीवराज आमेल मत न्यूज सिक्ता है अल्ली सर्कल बसवेश्वर सारी शंकराचार्य सर्कल सीसीटीवी मिलिंद इन कई हस्तांतर आगता है बाहुट अंत बता है बहिंग आगता उद्देश्य ऐन तरह विषय राज्य अशांति दोमी गलभ सृष्टि हिंदू मुसलमान रक्षण इला मुसलमान विरुद्ध हिंदू समाजवे गटिग्रे बीजेपी वोट सिंह मतांधवाद राजकीय सृष्टि लगता है चित्रदुर्ग दलित हुड़गन दनकल्ला सुु केस सृष्टि मुसलमान धनव कड़तन आलक मेले बेतल बहिंगवा थे कत्ते मेले मेरवण मंगलूर पंपल अंत जगह मंगलूर मंगलूर प्रवेश द्वार बेंगलूर हो अलू मसीदी रात्रि बहुत कल तूर उत्तर अद रीति अलसंख्या कल्याण इलाके कट मंगलूर अदूर कल तूर मैं याकंद्रे कल सुराट मादा मुसलमान बीदी के बंद ऐनो दांधल आव गलभ आते आवु सेंटिमेंटल क्रियेट आगते वोट पोलरइजेशन आगते अंत पंचायत मत मुबर इलेक्षन के बेद वेदिके सिद्धमता नेपिडे इंत वो कोम अशांति सृष्ट हुनारे यार बलिया बहिंगवा पोलिस दूर स्वीकार दूर को दूर स्वीकार श्रृंगेरी नावे दूर को हमी नम जिला दूर को एनसीआर को एफआईआर या अब एफआईआर आगे याके स्वामी आगुदे अद्रेनू एफआईआर अंत निर्धार कॉर्ट अल्वा पोलिस निर्धार इष्ट पोलिस धमिके हाकिन वीडियो नमल इडी कर्नाटक राज्य मत पोलिस अद पोलिस अंत ना एस पी साहेब हमी एस पी साहेब आयु ना नोड़ी अंत ये नोड़ मुग्यव नानू मतलब मुसलमान आवे अदे एफ ईआर आगते अद्क पाकिस्तान सृष्टि आगे अद्क कनेक्शन आगता है कोमुवादी मतलब बीजेपी संपर्क बीबीएमपी इलेक्शन पंचायत इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शन बहुत करीब अक्टूबर नवंबर में पंचायत इलेक्शन आने वाला है पूरे कर्नाटक स्टेट में और बीबीएमपी इलेक्शन बेंगलुरु में आने वाला है और दो साल में असेंबली इलेक्शन भी आने वाला है। उसके लिए अभी स्टेज बना रहा है बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों के वजह से जीना इधर हराम है बोलकर एक सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है। यहाँ के मुसलमान कम्युनल है फंडामेंटल है आईएसआई एजेंट है उनको फॉरेन से पैसा आता है यहाँ हिंदुओं को मारने के लिए साजिश करते हैं इस तरह का एक सेंटिमेंटल क्रिएट करने के लिए पर्पजफुली यहां एक स्टेज बना रहा है बीजेपी। बहुत सारे सबूत है श्रृंगेरी इंसिडेंट देखिए श्रृंगेरी में शंकराचार्य स्टैच्यू के ऊपर कोई एक फ्लैग डाला था इमीडिएटली वहां देखो फ्लैग डाला था रात के वक्त सुबह अर्ली मॉर्निंग वहां के एक्स एमएलए जीवराज ने उनको श्रृंगेरी को आने के लिए डेढ़ घंटे का रास्ता है उतना छह घंटे सुबह में कैसा आया उनको कौन बताया दिस इज बिगेस्ट सीक्रेट प्री प्लान है ये उन्होंने सुबह छह बजे आकर पूरे लोगों को जमा करके बताया यहाँ के श्रृंगेरी के मुसलमानों को यहां से तड़ी पार करना है बोलकर वो इस्तेमाल किया वो लफ्ज तड़ी पार करना है बोलकर
उसके बाद पुलिस ऑफिसर ने आया, पुलिस ऑफिसर को धमकी करके कहता है देखो ये एसडीपी का काम है, अगर तुम एसडीपी के लोगों को अरेस्ट नहीं करते हैं ये श्रृंगेरी में क्या होता है उसमें जिम्मेदारी हम नहीं है तुम नहीं है, बोलकर बताए क्या ये क्या होने वाला है यहां। उनको मालूम है, ऑलरेडी प्लान करके आया है वो। उसके बाद में मालूम इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर ने तीन मुसलमान लड़कों को अरेस्ट किया, रात पूरे रात उधर पुलिस स्टेशन के अंदर था। दूसरे दिन उनको मस्जिद का सीसीटीवी का फुटेज देखने मालूम हो गया वो मिलिंद यानी मनोहर का काम है। बोल अगर मस्जिद के अंदर सीसीटीवी नहीं तो रहता तो क्या हो सकता था। इधर पूरे पेपर में आया फ्रंट पेज में श्रृंगेरी के शंकराचार्य देवल के ऊपर मुसलमान एसडीपीए लोग और मुसलमान लोग फ्लैग लगाया बोलकर। लेकिन दूसरे दिन सच्चाई क्या आता है उसको कोई पेपर वाले नहीं बताया, कोई टीवी वाले उसके ऊपर डिबेट नहीं किया। बहुत बड़ा ये अनफॉर्चुनेट थिंग है। ये एक कम्युनल क्लैश बनाने के लिए एक साजिश है। उसके बारे में हम लोग कंप्लेंट दर्ज किए लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं बनाया। पुलिस वाले एफआईआर बनाने के लिए मना कर रहा है। हम पूछे के एफआईआर नहीं बनाते, उन्होंने बताया हम बना नहीं सकते, बता कोई रीजन नहीं बताता है। वो धमकी दिया है जीवराज पुलिस, जीवराज पुलिस को धमकी दिया है, इतना जोर से कहता है, पुलिस को कोई इज्जत नहीं दिया। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी वो केवल पुलिस वाले किसके तहत काम करता है। और दूसरी चीजें है, मैंगलोर में मस्जिद के ऊपर पत्रेबाजी हुआ है रात के वक्त मैंगलोर सिटी में, और मैंगलोर में माइनॉरिटी वेलफेयर कमीशन का बिल्डिंग के ऊपर भी पत्रेबाजी हुआ है। मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। मुसलमान इस तरह का भड़क के बाहर आने में एक बहुत बड़ा दंगा होता है तो हिंदू सेंटिमेंट क्रिएट होता है। ये बीजेपी का प्लान है। चित्रदुर्गा में एक दलित लड़का को गाय का चोरी किया बोलकर वहां उनको पूरा नंगा करके बहुत बुरी तरह मार के गधे के ऊपर सवारी करवाया और कहा पूरा मुसलमान इनके साथ है और मुसलमान चोरी करके इनको गाय दिया, वही चोरी किया जो गाय को लेके जा रहा है बोलकर हंगामा किया। देखो ये सारे चीज को मालूम, ये सारे साजिश है बीजेपी यहां बहुत बड़ा। देखो बैंगलोर इंसिडेंट के पीछे भी बीजेपी का हाथ बहुत बड़ा हाथ है। वो नवीन जो लड़का उनको कार्टूनिस्ट नहीं है, वो कार्टून नहीं बना सकता। वो वैसा आदमी को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बुरी तरह का एक पिक्चर और तौहीन करके कार्टून बना के कौन दिया, कौन दिया ये, कौन कहां बनाया है? कार्टून बनाने वाला का एक अड्डा है इधर कर्नाटक स्टेट में, अड्डे कौन है, वो कौन चला रहा है वो अड्डे को, वो अड्डे में कितना कितना कार्टूनिस्ट है। वो कार्टून को उसके बाद नवीन का कार्टून को फॉरवर्ड किया वाला संघ परिवार का कार्यकर्ता लोग कौन है? देखो कोविड का जो इधर लॉकडाउन चल रहा था, चार महीने में हम लोग 142 कंप्लेंट दर्ज किया है संघ परिवार कार्यकर्ता के ऊपर। पूरा डिस्क्रिमिनेटरी, मुसलमानों को इस्लाम को बदनाम करके इंसल्ट करके मैसेज बताए सोशल मीडिया में, ये लोग फॉरवर्ड किए, ये लोग बहुत बुरी तरह सुअर खाने वाले आईएसआई के एजेंट लोग, इन लोगों को जिंदा जलाना, इस तरह का कोरोना स्प्रेड करने वाले ये जिहादी लोग, इस तरह का बहुत बुरी बुरी गंदी गंदी गाली इस्तेमाल करके सोशल मीडिया में इन लोग फॉरवर्ड किए हैं। 142 फाइल्स हम लोग कंप्लेंट फाइल किया है लेकिन पुलिस वाले ओनली 43 एफआईआर किया है। बाकी के जगह में पुलिस वाले एफआईआर करने के लिए रेडी नहीं है। इसका मतलब एक वेरी ऑर्गेनाइज, अभी भी यूएपीए बोल के बोल रहा है, आई मीन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट, उसमें एसडीपी को लाने के लिए, मुसलमानों को लाने के लिए कोशिश कर रहा है। कौन अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज क्राइम फोन कर रहा है? 142 उधर कंप्लेंट आने के बावजूद भी उन लोगों को क्यों अनलॉफुल एक्टिविटीज लागू नहीं होता है? इलियास मोहम्मद तुंगे का कहना है कि खामोखान जो है डीजेएलडी केजेएलडी के गलाटे में जो है खामोखान एचडीपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सुहेल, नशेमन न्यूज़।